कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए एक तरफ जहां सरकारें और निजी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं, वहीं इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के रोहिणी में गो सैनिटाइजेशन नाम की इस कंपनी ने दोपहिया से लेकर टेम्पो तक वाहन सड़क पर ही सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है और वो भी काफी कम पैसों में। ये कंपनी करीब एक सप्ताह से इस काम को कर रही है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अब दिल्ली वालों को कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए और अब इसके लिए लोगों को केवल सरकारी व्यवस्था के अलावा खुद भी अपनी सुरक्षा करनी होगी, जिसको देखते हुए दिल्ली के रोहिणी इलाके में गो सैनिटाइजेशन नाम की इस कंपनी ने सड़क पर ही गाड़ियों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया और दोपहिया से लेकर कार व टेम्पो को महज 10 से 30 रुपए में चंद मिनटों में सैनिटाइज किया जाता है। कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि एक विशेष केमिकल को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं हमारा ये काम समाज के प्रति एक छोटा सा प्रयास है। सर, ये हमारी प्राइवेट कंपनी है, गो सैनिटाइजेशन के नाम से है, उसके थ्रू हम ये सैनिटाइजेशन कर रहे हैं गाड़ियों पे जी, ताकि जो कोरोना वायरस है जो गाड़ियों संक्रमित होने से बच जाए जी। अच्छा, तो क्या रहता है आपका, मतलब क्या आप कोई चार्जेस लेते हैं, नहीं लेते हैं, कैसे रख करते हैं? सर, वैसे तो हमारे चार्जेस बाइक के 10 रुपीज़ हैं और गाड़ी के 20 हैं एंड टेम्पो वगैरह ट्रक और जो उनके 30 हैं। अगर बाय द वे किसी के पास नहीं भी होते हैं तो फ्री में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर देते हैं जी सर। तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने शुरू किया है, मन में क्या सोच थी, कैसे ये शुरू किया? कर सर, मन में ये सोच थी कि जब हमारे डॉक्टर वगैरह सब इसे लड़ रहे हैं तो हम भी कुछ आगे आके उनसे अपना सहयोग दें, तो हमने ये अपना एक गो सैनिटाइजेशन के नाम से कंपनी से हमने ज्वाइन किया और तेज बोलिए थोड़ा सा, और हम ये सैनिटाइजेशन हमने शुरू किया। इससे पहले हमने यहाँ पे रोहिणी के यहाँ पे 4 सोसाइटी थी, इससे पहले वहाँ पे किया था और अब 2-3 दिन से हम यहाँ कर रहे हैं।